देश भर में आज से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता के 3 कानूनों को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से हमारे खुद के बनाए हुए कानून भारतीय न्याय संहिता के 3 कानून की शुरुआत हो रही है। आजादी के इतने वर्षों बाद हमारा खुद का बनाया हुआ आपराधिक कानून आज से लागू हो गया है। 1860-1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून इतने वर्षों तक चलते रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल कानूनों को नए नाम दिए, वरन वह प्रावधान भी भारत की आवश्यकता है के अनुरूप बने हैं। पुराने जो कानून थे वे दंड देने वाले कानून थे, आज जो कानून बने हैं वे देशवासियों को न्याय देने के लिए बने हैं, न्याय करने के लिए बने हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे संसद में बने इस कानून के बनते वक्त मैं भी सदन में सदस्य के रूप में मौजूद था। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आजादी के इतने वर्षों बाद हमारी खुद की बनाई हुई आपराधिक कानून आज से लागू हो रहा है। 1860, 1872 अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इतने वर्षों तक चलता रहा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानूनों का न केवल नाम हमारे दिए हुए हैं, वरन वो प्रावधान भी भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप, भारतीयों के आवश्यकताओं के अनुरूप। पुराने जो कानून थे वो दंड देने वाले कानून थे, अब जो कानून बने हैं ये देशवासियों को न्याय देने के लिए बने हैं, न्याय करने के लिए बने हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अमित शाह जी के मार्गदर्शन में 3 नए कानून आज से लागू हो रहा है। मैं देशवासियों को आज बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज से अंग्रेजों की बनाई हुई कानून से छुटकारा मिलेगा और हमारा स्वयं का कानून हमारे संसद में बनाया हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कानून को बनाते समय संसद में सदस्य के रूप में मौजूद था। ये हमारा बनाया हुआ कानून आज से लागू हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस का चेहरा तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है, और दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई थी, तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मोदी की गारंटी में जो कहा है वो कर दिखाएंगे।